guys, you welcome back once again to Super Special. Super Special के इस घंटे में हज़्ब वादा आज हम बात करने वाले हैं नेशनल गेम्स पर. 26 अक्टूबर से नेशनल गेम्स का आगाज़ होने वाला है पाकिस्तान के शहर पेशावर में, और जितनी भी प्रोविंशियल टीम्स हैं सब अपने दस्तों को लेकर कुछ दिनों में पेशावर के लिए रवाना होंगे. क्या तैयारियाँ चल रही हैं, एथलीट्स की क्या तैयारियाँ हैं, हर पहलू से आज हम नेशनल गेम्स के बारे में बात करने वाले हैं. ऑब्वियसली हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीक रहमान तो मौजूद हैं ही, साथ साथ दो बहुत स्पेशल एथलीट्स हमारे साथ मौजूद हैं. शिराज आसिफ ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, पाकिस्तान जूनियर बेसबॉल टीम के कैप्टन हैं. थैंक यू सो मच शिराज. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है माशाल्लाह से, बड़े हंसते मुस्कुराते, दे फुल ऑफ लाइफ एंड दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी वी लाइक. साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं आयशा इश्तियाक अहमद, जो पाकिस्तान की सिंध की सॉफ्ट बॉल टीम की कैप्टन है और पाकिस्तान की सॉफ्ट बॉल टीम में भी हैं. यू लुक वेरी यंग, सो कंग्रेचुलेशंस कि आप इतनी यंग एज में सिंध की कप्तानी भी कर रही हैं और पाकिस्तान के लिए भी खेल रही हैं. आई एम श्योर बहुत आपका विजन अभी से क्लियर हो गया होगा आगे आपने क्या करना है. अतीक हमारे साथ मौजूद है. अतीक, नेशनल गेम्स की तैयारियां सब सही चल रही हैं अभी तक? तो मेरे ख्याल से सब सेट चल रहा है. आरिफ हसन साहब से इंटरव्यू भी हमने सुना था आपका. हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें अब तो टॉर्च, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि नेशनल गेम्स की कोई टॉर्च जो है वो पाकिस्तान का एक अच्छा सॉफ्ट इमेज भी दुनिया में गया. अभी तो लाहौर के अंदर है, 13 को इस्लामाबाद जाएगी और फिर वो गिलगित बल्तिस्तान और बाबू साहब और खंजराब से होती हुई कयूम आबाद, अपना कयूम स्टेडियम वहाँ पहुँचेगी 26 को, और फिर नेशनल गेम्स जो 33वें हो रहे हैं वो होंगे. 6000 के करीब एथलीट्स और ऑफिशियल्स इस गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. फुटबॉल को लिया है, पहली बार नहीं लिया, लेकिन पहले इन गेम्स में फुटबॉल नहीं था क्योंकि कुछ फुटबॉल फेडरेशन के आपस के तनाज़े चल रहे थे, तो इससे लेकिन अब दोबारा फुटबॉल को शामिल किया. तो कुल मिला के कोई 31 गेम्स हो गए हैं अब इस नेशनल गेम्स के अंदर. और कुल मिलाकर कितने लोग होंगे एथलीट्स और ऑफिशियल्स मिलाकर? तकरीबन 6000 के लगभग बता रहे, जिसमें तो काफी लॉजिस्टिकल नाइटमेयर हो गई है. हाँ बिल्कुल, 13 करोड़ रुपए का बजट है दानिश इसके लिए जो पास हुआ है. काफी है आपको लगता है? क्योंकि तकरीबन 10-12 दिन देखें, अगर उसको सही तरीके से प्लेयर्स के ऊपर और इवेंट के ऊपर अगर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से हो सकते हैं. लेकिन अगर खामियां तो होती हैं जहाँ इतने बड़े गेम्स होते हैं वहाँ प्रॉब्लम तो होते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे. मतलब ये पेशावर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो एक ऐसे गेम्स को ऑर्गेनाइज करें कि जो एक तारीखी यादगार हमेशा रहे 33वें नेशनल गेम्स. ठीक है, कुछ शिराज और आयशा से भी बात कर लेते हैं. आयशा, सबसे पहले तो आप बताएं, एजुकेट करें हमें, सॉफ्ट बॉल का कितना स्कोप है पाकिस्तान में, क्योंकि हमारी गर्ल्स सॉफ्ट बॉल में काफ़ी काफ़ी प्रॉपर सॉफ्ट बॉल खेलती हैं. 2015 के बाद से ये गेम ना ज़्यादा मतलब तरक्की किया है इसने, और कहते हैं इसे अभी जो है अल्लाह का शुक्र है हम लोग काफ़ी मैचेस और काफ़ी जो सिंध है और बाकी सूबों से भी अच्छे अच्छा ही वो आ रहा है. ठीक है, अच्छा मतलब आप लोग कंपेरेटिव कंपेरेटिव सॉफ्ट बॉल खेल रहे हैं, मैचेस आप लोगों को मिलते हैं, प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली आप लोग थ्रू आउट द ईयर कर रहे हैं. ऐसे तो नहीं होता कि कुछ अरसा पहले प्रैक्टिस शुरू हो जाती है? कुछ टाइम पहले ही प्रैक्टिस शुरू होती है. ठीक है, लेकिन अभी स्क्वाड गेम्स की आपकी प्रैक्टिस कितने कब से शुरू होगी? 17 अक्टूबर से. ठीक है, बट आपका स्क्वाड जैसे जूनियर लेवल पे भी बना हुआ है, सीनियर लेवल पे भी बना हुआ है. आप सिंध की जूनियर टीम की कैप्टन है या मेन टीम की कैप्टन है? नहीं, सिंध की मेन टीम की कैप्टन. ठीक है, मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ क्योंकि जूनियर टीमें भी बनी हुई हैं, सीनियर टीमें भी बनी हुई हैं, एक पिरामिड बना हुआ है आप ये कह रही हैं, तो एक सेटअप है जिसके तहत लोग आ रहे हैं. जी जी. शिराज, बेसबॉल में क्या सिनेरियो हुआ है, क्योंकि हम खबरें सुनते रहते हैं कि आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी रह रही है सीनियर टीम की भी जूनियर टीम की भी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये गेम जो बेसबॉल है बहुत तरक्की कर रहा है और जिस रैपिड स्पीड से ये ग्रो कर रहा है कि हमारे पास फाटा गिलगित बल्तिस्तान से भी हमारे पास प्लेयर्स हैं जो हमारी नेशनल टीम को सर्व कर रहे हैं. और कल ही हमारी जो सीनियर टीम है बेसबॉल की वो क्वालिफायर्स के लिए चाइनीज ताइपे गई है. अरे वाह. और वही अगस्त में होने वाले वेस्ट एशिया कप में हम सिल्वर मेडलिस्ट भी रहे हैं. तो सीनियर टीम हो जूनियर टीम हो, हमारी दोनों टीमें इस गेम में एक्सेल कर रही हैं और इंशाल्लाह ताला हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम ओलंपिक्स में भी खेलती हुई नजर आएगी इंशाल्लाह. एट दिस एज स्पेशली जब आपके अंदर इतना टैलेंट हो और आप कंपेरेटिव प्रोफेशनल किसी भी चीज़ स्पोर्ट में आप हिस्सा ले रहे हैं, तो आपको आगे एक विजन भी नज़र आ रहा होता है, आपको आगे कुछ प्लानिंग भी करनी होती है. आपने क्या सोचा है, प्रोफेशनली बेसबॉल खेल सकते हो या सोच रहे हो खेलने का? जी, मैं जब 9 साल का था मैं जब से इस गेम के लिए खेल रहा हूँ. और कैसे इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? इंटरेस्ट इसलिए कि एक यूनिक गेम है, अमेरिका का नेशनल स्पोर्ट है और इस गेम में स्कोप बहुत है क्योंकि लाइक यूरोपियन साइड भी हो, अमेरिका तो इस खेल का गढ़ माना जाता है जहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड
एशिया यूरोप हर जगह से प्लेयर्स उनकी उस लीग में खेलते हैं. तो शुरू से एक था कि इस चीज़ को एंड तक लेके जाना है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम रोशन करना है और इसको पूरे प्रोफेशनल तरीके से खेलना. शिराज, इतनी अकेडमीज हैं बेसबॉल की, आप समझते हैं कि जैसे अगर एक आपने ठीक है 9 साल के उसमें स्टार्ट किया, आपने बहुत मेहनत की, आपके पेरेंट्स का भी बहुत साथ रहा, एक अगर नया आया बच्चा उसके लिए कितनी अकेडमीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, सिंध के अंदर? जी इस हमारे लाहौर में जो हमारा एक प्रॉपर बेसबॉल ग्राउंड है वो बहरिया टाउन में है, जहां हम एक वेस्ट एशिया चैम्पियनशिप होस्ट भी कर चुके हैं, जहां से श्रीलंका बांग्लादेश टीमें आके खेल चुकी हैं. और लाहौर, कराची, फाटा में भी एक हमारी एक अकेडमी है, बलूचिस्तान में हम लोग हर एक प्रोविंस में एक अकेडमी है जहाँ प्लेयर्स ट्रेन हो रहे हैं. और जो हमारा हेडक्वार्टर जो लाहौर है, जब भी हमारा कोई कैंप लगता है, जो नेशनल टीम का कैंप होता है, सब वहाँ इकट्ठा होकर साथ ट्रेनिंग करते हैं. ज़बरदस्त, इसी तरह ट्रेनिंग करते रहें. आयशा, कुछ अपनी भी आप गोल्स के बारे में हमें बताएं, कुछ शेयर करें, अपने गोल्स क्या चाहती हैं पाकिस्तान टीम के लिए, तो आप ऑलरेडी खेल रही हैं, कुछ एक्लेट्स दिलाना चाहती हैं, कुछ तमगे दिलाना चाहती हैं पाकिस्तान को, क्या सोचा है? जब पाकिस्तान के लिए तो ज़रूर पाकिस्तान के तमगे तो दिलाना चाहती हूँ, और मतलब इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि पूरी ले सकूँगी और अपनी टीम को पूरा सपोर्ट करूंगी. आपने आई एम श्योर, क्योंकि आप सॉफ्टबॉल खेलती हैं, आपने कंपटीशन को भी देखा होगा, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है, क्योंकि पाकिस्तान में इतना ज्यादा ये मतलब इतना ज्यादा इन नहीं है अभी, लेकिन बाहर तो है ना. तो वहाँ पे अभी जैसे हम रिसेंटली कनाडा गए थे तो वहाँ पे अच्छा था, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन है, काफी सीखने को मिला, काफी सीखने को मिला, हारे या जीते भी साथ साथ. नहीं, मतलब वहाँ पे ज्यादा कंपटीशन है तो ठीक है, समझ आया. बेसिकली मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपकी टीम में पोटेंशियल आपको नजर आता है जब आप बाहर वालों से खेलते हैं, तो कितना फर्क नजर आता है और फर्क आपको कहाँ नजर आता है? तैयारी में नजर आता है, स्किल लेवल में नजर आता है, कोचेज में नजर आता है? तैयारी में फ़र्क होता है, क्योंकि वहाँ की जो ट्रेनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, जो यहाँ की ट्रेनिंग है वो डिफरेंट है. वहाँ पे मशीनें आ गई, जदीद सामान, टेक्नोलॉजी आ गई है सिखाने के लिए, वो यहाँ पे अभी इतनी ज़्यादा. आई थिंक अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ट्रेनिंग मेथड्स इतने ज़्यादा चेंज हो गए हैं, खासतौर पर दुनिया भर में इतने एडवांस लेवल पे अब एथलीट्स की ट्रेनिंग चली गई है कि हम शायद रॉ टैलेंट पर एक हद तक ही कम्पीट कर सकते हैं उनके. दानिश, वो दौर चला गया अब कि एक कोच होता था और पूरी 12 खिलाड़ियों को या 16 खिलाड़ियों को लेके वो चलता था और एक कोच. अब तो आपको पता है हर चीज़ इतनी जदीद हो चुकी है, अब तो एक एक प्लेयर्स के लिए अपना एक एक अलग कोच होता है. अगर डिफेंसिव है तो वो डिफेंसिव प्लेयर्स के लिए अलग कोच है, ऑफेंस करना है उसके लिए एक अलग कोच है. तो बहुत हर खेल के अंदर, मैं ये नहीं कहूँगा सॉफ्ट बॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल या इन खेलों में ऐसा हुआ है, हर खेलों, दुनिया के किसी खेल को भी उठाएंगे आप तो वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुका है, जिससे हमारे खिलाड़ी बहुत ज़्यादा नावाकिफ़. हम तो फैसिलिटीज़ को अभी तक लो रहे हैं, लेकिन जब ये आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो फिर बहुत से प्लेयर्स की आंखें खुल जाती हैं. लेकिन अतीक, ये भी बड़ी खुशायन बात है कि एटलीस्ट नेशनल गेम्स इतने बड़े लेवल पर हो रहे हैं, इतने सारे नौजवान बच्चों को इंगेज किया जा रहा है. अगर ना हो तो हम क्या कर लेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते शायद, हम सिर्फ वावेला ही कर सकते हैं, हम सिर्फ शोर मचा सकते हैं, लेकिन अगर ना हो गेम्स तो यू नो लॉस ही लॉस है. बट शिराज, कमिंग बैक टू नेशनल गेम्स में तो प्रोविंसेस आपस में टकरा रहे होते हैं ना, बाद में आप एक होकर खेलेंगे तो एक अलग बात है, लेकिन अभी आप अगर प्रोविंसेस से कंपेयर करते हैं सिंध की टीम को, जो आपकी टीम है, आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कौन से प्रोविंस की टीम ज़्यादा अच्छी है? अगर हम ओवरऑल बात करें तो आप सब ये जानते हैं कि डिपार्टमेंट्स की टीम स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा भारी ना आना देखो. डिपार्टमेंट्स की तो है ना, आर्मी पुलिस है, लेकिन अगर हम प्रोविंस के हिसाब से देखें तो सिंध और पंजाब में एक क्लैश रहता है कि कभी सिंध आगे निकलता है कभी, क्योंकि मेन जैसे मैं आपको बताया कि हमारा हेडक्वार्टर लाहौर में है और हमारा एक प्रॉपर ग्राउंड भी वहीं है, एकेडमी भी है वहाँ से, फाटा से, गिलगित से बच्चे यहाँ रह के ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तो पंजाब को एक थोड़ा सा एज हासिल है. सिंध की टीम हमेशा टफ कॉम्पिटिशन देती है, कभी पंजाब आगे निकलता है कभी सिंध प्रोविंसेस में, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सिंध की टीम हल्की है, और इंशाल्लाह इस बार हम ये साबित भी करेंगे कि सिंध प्रोविंसेस में नहीं, इंशाल्लाह डिपार्टमेंट्स को भी हराने की कुव्वत रखता है. और देन अगेन, आज आप लोग आपस में कम्पीट कर रहे हैं, कल को साथ खेल रहे होंगे, तो वो स्पिरिट नज़र आता है, सारे बॉयज़ अच्छे हैं, मज़ा आता है. ये स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट जो होती है वो यही हमें सिखाती है कि गेम्स तो होते रहे, हमें यूनिटी में रहना है. हम ऑन द फील्ड तो कभी कभी गर्मा गर्मी होती है, लेकिन ऑफ द फील्ड हम एक साथ ही होते हैं, लाइक जैसे होता है हम साथ में
खाना खाते हैं जो भी है, मतलब साथ ट्रैवल करना है। मैं ये ठीक है नेशनल गेम्स होने चाहिए, लेकिन बहुत से खेलों में ना, या बल्कि अमूमन ज़्यादा खेलों में बहुत डिफरेंस नज़र आता है एक डिपार्टमेंट। मैं ये मेरी ऐसी खुद की एक तजवीज़ है, खुद की एक राय है कि नेशनल गेम्स में खास से दो हिस्सों में होने चाहिए। एक डिपार्टमेंट्स का जो लेवल्स होना चाहिए वो एक अलग हो, ताकि उसमें कंपटीशंस का वो, अब ये बच्चे हैं इन्होंने अभी आगाज़ किया है, अब इनके सामने आर्मी की वापडा के प्लेयर्स सीखने को मिलेगा, लेकिन जो इनका कॉन्फिडेंस वो होगा ना, इनको कोई 17-17 को मतलब 18-18 गोल हो जाए, इनके तो पॉइंट्स अलग होते हैं, वो मैं कहता हूँ वो नहीं होना, उससे म्यार बहुत बुरा होता है, जैसे हॉकी का हो गया। आई स्टिल बिलीव अतीक कि जब आप इतने ज़्यादा कॉम्पिटेंट एथलीट्स के साथ खेल रहे होते हैं, वो जो एक लर्निंग का फेज होता है ना, वो अलग ही सिखाता है आपको। एट दिस एज यू माइट नॉट बी स्केर्ड ऑफ लूजिंग, यू नो यू वांट टू विन, बट हारने से इतना डरते नहीं है आपकी उम्र में। हार जीत तो खेल का हिस्सा, एक टीम ने हारना एक ने जीत, जो उस मोमेंट पे उस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है मैं समझता हूँ वो टीम जीती है, लेकिन हारने से इतना कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन गलतियों को सही करके। मैं तो आयशा से बहुत दूर बैठा हूँ, तुम करीब बैठे हुए हो, ठीक है ना, तो हम आयशा से ही बात कर लेते हैं, मैं तो सेफ हूँ। जी जी जरूर जरूर। बट आयशा, सेम क्वेश्चन आपके लिए, कौन सी प्रोविंस की टीम ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग लगती है? आप सिंध की कप्तान हैं, तो आपको लगता है कि आपकी टीम सबसे ज़्यादा तगड़ी है? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आर्मी बाबला के बाद सिंधी आता है। पंजाब, तो पंजाब की टीम भी अच्छी है, मतलब उनकी लड़कियां हिटिंग वेटिंग सब अच्छी करती हैं, लेकिन सिंध अल्लाह का शुक्र है फिर भी उनकी तरफ भारी पड़ जाता तो है। फिर आप जीत रही हैं, अपनी टीम को जिता रही हैं जी इस जी बार, ठीक है। फर्क दानिश वो आएगा, मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी जो नेशनल गेम्स में होगा ना, वो ये होगा सिंध का जो असल जो कॉम्पिटिशन होगा वो होगा पंजाब से। डिपार्टमेंट्स को तो मेंटली तौर पे ये राइवलरीज होती है ना, ये होता है ऐसा है, अभी भी एग्जिस्ट करता है, हमारे जमाने में तो बड़ा सीन था ऐसा। हां बिल्कुल ऐसा ही है, पंजाब के अंदर आर्मी वापदा सिंध पंजाब, तो वो अलग बात है। शिनाज कह रहे थे कि मैचेस के बाद ऑफ द फील्ड हम आपस में बैठे हुए होते थे, हमारे डॉर्म्स एक ही होते थे, हॉस्टल्स एक ही होते थे, तो हम सारे साथ पार्टी कर रहे होते थे, बट ऑन द फील्ड बड़ी टसल होती थी कि भाई नहीं, इनको तो हराना ही हराना है। ऑन द फील्ड जब आर्मी आती है तो सब घबरा जाते हैं, आर्मी आ गई। देखें, क्योंकि अगर हम सिंध खेल रहे हैं तो हम सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सिंध के लिए वो अर्न हासिल करना हमारा जॉब, हमारी जॉब है। बिल्कुल, हम जब एक चीज में, अब इतने बड़े नेशनल गेम्स पाकिस्तान के सबसे बड़े गेम्स है, और उस लेवल के गेम पे सिर्फ पार्टिसिपेट करने, मैं कहता हूँ कि प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि आप अपने सीनियर्स और बहुत ही एक्सेल्ड हुए स्पोर्ट्स प्लेयर्स से आप सब होते हैं, साथ ट्रैवल करते हैं, हम सिर्फ ग्राउंड में ही नहीं खेलना, हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी उनसे सीखते हैं कि किस तरह डिसिप्लिन है, बाकी दीगर सारी चीज़ें हैं, हमें बहुत सीखने को मिलता है। दानिश, अगर इन नेशनल गेम्स से आपने अपने अच्छे लड़कों को पिक नहीं किया हर खेल के, यार ये तीन लड़के बहुत अच्छे हैं, ये दो लड़के बहुत अच्छे हैं, और उनको ग्रूमिंग नहीं की, तो भी नेशनल गेम्स का कोई फायदा? जी, बहुत जरूरी है थी, क्योंकि नेशनल गेम्स के फौरन बाद साउथ एशियन गेम्स के लिए हमें तैयारी शुरू करनी है, और अभी जो अहम इजलास हुआ है उसमें तो ये फैसला भी किया गया कि नेशनल गेम्स के बाद बच्चे घरों को नहीं जाएंगे, सीधे साउथ एशियन गेम्स के कैंप्स में जाएंगे। हाउ विल दैट वर्क आउट? बिल्कुल, कैंप मैं तो कहता हूँ लगने चाहिए इन प्लेयर्स के, ये परेशान हो रही है सुन के? नहीं, अच्छा ठीक, लंबे लंबे इनके कैंप्स लगने चाहिए, जैसे अभी मैं तो अभी, मुझे बड़ी हैरत, उन्होंने कहा कि हमारे कैंप नहीं लगे हुए, मैं मेरे ख्याल से तो अभी तक कैंप लग जाना चाहिए था, जब 26 से शुरू हो रहे हैं तो अब तक तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये तो आप नेशनल गेम्स के कैंप्स की बात कर रहे हैं ना, मैं बात कर रहा हूँ साउथ एशियन गेम्स की ना, उसके लिए भी कोई 25 दिन का कैंप लगने वाला है, जो कि मेरे ख्याल से तारीख में सबसे छोटा है। लगता नहीं है दानिश, अभी भी मैं आपको बताऊँ, सिंध का कोई 450 होगा, क्योंकि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने तमाम प्रोविंस को 450 का दिया हुआ, कितने आप पार्टिसिपेशन अपने एथलीट ला सकते हैं, ठीक है, सिर्फ सिवाय केपी के, क्योंकि फाटा उसमें मर्ज हो गया, जम हो गया, उनको इस वजह से थोड़ा सा माइलेज दिया कि आप अपने ज़्यादा रहे, तो ये एक आएगा कि बहुत से खेल हमें स्किप करना पड़ेंगे। और फिर जब इन गेम्स के बाद, अब सिंध की टीम को भी 2 करोड़ रुपये दस्ते को दिए हैं सिंध गवर्नमेंट ने, मैं ये सिर्फ पूछना चाहूँगा अभी सिंध ओलंपिक एसोसिएशन वाले सारे जो है वो लाहौर में बैठे हुए हैं, उनसे आएंगे तो उनसे डिस्कस ज़रूर होगा, बिल्कुल मेरी उनसे टेलीफोन पे रही हैं, और कि 2 करोड़ रुपए हुए हैं, आप कहाँ कैंप लग रहा है, कहाँ खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लग रहा है नहीं लग रहा, खिलाड़ियों को आप ट्रेन में लेके जाते हैं, उनको आप सिर्फ ट्रेन का किराया और आप खाने पीने का और ट्रैक सूट में
ये 2 करोड़ रुपए एक अच्छी बड़ी रकम है। 450 एथलीट्स हैं, वो भी एक बहुत बड़ी तादाद है। बहुत बड़ी तादाद है अतीक, उनका उनका आना जाना, लॉजिस्टिक्स, हर चीज उनको संभालना, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। मैं ये कहता हूं प्लेयर्स को ना, अभी मैं इन बच्चों से यही बात कर रहा था, मैंने कहा आप लोग जा रहे हो नेशनल गेम्स में, फर्स्ट टाइम ये लोग खेलेंगे, हम ज्यादातर खिलाड़ियों का फोकस क्या होता है, हो जाता है अब आप गए थके, ट्रेन का सफर के 24 घंटे का सफर तय करके आप गए, पता चला आपको रूम ही अच्छा नहीं मिला, आपके रूम में फैन नहीं। Having said that, when I was your age, ये पूरा एक्सपीरियंस ही, आप दोनों की राय में जाऊँगा, ये पूरा एक्सपीरियंस ही बहुत मज़े का है शिराज़, ख़ास तौर पे इससे पहले कि मैं आप लोगों से बात करूँ, आप दोनों के पेरेंट्स को अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने इतनी हिम्मत का मुजाहरा किया है, टीनेजर्स हैं आपके बच्चे और आप उनको इजाज़त दे रहे हैं कि वो दूसरे शहर जाएँ, इतने बड़ी टीम के साथ ट्रैवल करें, आप लोगों की हिम्मत को भी सलाम है कि आप लोग अपने बच्चों को मौका दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी जीने का और कुछ करने का, सो थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आयशा कहीं ना कहीं परेशानी तो होती होगी पेरेंट्स को, कभी कभी परमिशन लेने में बहुत होती है कुछ ऐसे शहरों में। हाउ डज इट हैपन देन, आपकी कोचेस बात करते हैं या क्या होता है? कोचेस बात करते हैं, जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं वो बात करते हैं, तो फिर वो लोग सेटिस्फाई कर लेते हैं उनको, तो फिर घर वाले राजी हो जाते हैं, लेकिन फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट है मुझे, इसलिए टेंशन नहीं। शिराज आपको कोई टेंशन? मेरी फैमिली खुद एक स्पोर्ट्स फैमिली से ताल्लुक रखती है, तो हमेशा मेरा छोटा भाई, हम सब स्पोर्ट्स में इन है, तो परमिशन का ऐसा कोई इशू नहीं होता। स्कूल से कोई परमिशन का मसला नहीं, क्योंकि तभी तो पढ़ाई चल रही होगी। पढ़ाई चलती है, लेकिन एक स्कूल के लिए भी एक ऑनर होता है कि हमारा स्टूडेंट पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहा है, नेशनल सिंध को प्रोविंस रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरनेशनल खेलने जा रहा है, तो ये उनके लिए भी एक ऑनर होता है, तो नहीं आज तक मुझे स्कूल से कोई इशू नहीं हुआ। और मैं बाकी स्कूल्स को भी एक तजवीज़ करना चाहूँगी कि प्लेयर्स को परमिशन देनी चाहिए, पेरेंट्स से भी मेरी है कि बच्चों को रोकना नहीं चाहिए। नहीं आई एम श्योर, आई मीन पेरेंट्स थोड़े से डरते हैं आजकल की सिक्योरिटी के मामलों को देखकर, लेकिन उसके बावजूद पेरेंट्स हमेशा ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनका सर फख्र से ऊंचा करें और मुल्क का नाम भी रोशन करें। आयशा आई एम श्योर आपके पेरेंट्स भी इसी तरह सोचते होंगे। हमारे पास सिंध की रिप्रेजेंटेशन तो है, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम सिंध को फेवर कर रहे हैं या हम चाहते हैं कि सिर्फ सिंध ही जीते। नेशनल गेम्स हो रहे हैं, जो भी यहाँ पर दस्ते मौजूद हैं, मे द बेस्ट टीम विन एंड परफॉर्म बेटर देन एवरीवन। उसके बाद जो हमारे साउथ एशियन गेम्स होने वाले हैं, आप दोनों सोच रहे हैं उसमें भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के बारे में? इंशाल्लाह तैयारी पूरी जा रही है। आपकी आशा? जी जरूर। हम तो बात करेंगे, मैं वही बात करना चाहता हूं कि कोचेस आपके फॉरनर्स खत्म हो गए, आपके यहां क्लोजिंग रिमार्क्स चाह रहा हूं मैं। बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि कैंप्स लगने चाहिए, या आप साउथ एशियन गेम में जा रहे हैं ना, मैं कहता हूं कि आप उन 10 गेम्स को तो जरूर टारगेट करें जिसमें आपका फोकस है कि गोल्ड मेडल्स या मेडल जरूर आएगा। आप ऐसे खेल को ना लेके जाएं जिससे मेडल्स की कोई उम्मीद नहीं है, और उस खेल की वजह से किसी अच्छे खेल को काट के ना जाएं। बस ये मेरी एक रिक्वेस्ट है हम्बल सी, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से भी, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से भी, कि वो टीम लेके जाएं, वो एथलीट्स लेके जाएं जो मेडल ला सकते हैं। आप किसी की सिफारिश पर या किसी की पसंद के ऊपर ऐसे टीम्स को, ऐसे एथलीट्स को ना लेके जाएं जो मेडल्स ना ला सकें, चले फाइट कर सके मेडल ला, ये नहीं कि कोई खिलाड़ी मेडल लाए तो उसका मतलब वो निकम्मा है, नहीं, फाइट एथलीट्स वो जरूर करता होना था, बस ये एक है। आई पर्सनली बिलीव जी मेडल्स एक्सपेक्ट तो बाद में किए जाते हैं, पहले मेहनत की जाती है बच्चों पर भी और अपने आप पर भी, सेटअप पर भी और परफॉर्मेंसेस पर भी और परफॉर्मर्स पर भी, तो मेहनत करें पहले इन पर, क्योंकि ये हमारे मुल्क का फ्यूचर है। शिराज आसिफ बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आयशा इश्तियाक अहमद, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। होपफुली आज से 5-6 सालों बाद जब हम आपसे रब्ता करें तो आपके पास टाइम ना हो हमें देने के लिए, वी होप दैट, और आप लोगों के इंशाल्लाह प्रोफेशनल लाइफ इतनी ऊपर चले गई हो कि आप लोगों को टाइम निकालना पड़े हमारे लिए, सो वी होप दैट फॉर यू। एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट महफूजुल हक साहब, आपसे हम बात कर रहे थे लॉजिस्टिक्स के हवाले से, तो कैसे होगा ये सब कुछ, 450 एथलीट्स हैं, ऑफिशियल्स भी हैं, कैसे जाएंगे सब पेशावर, कैसी चल रही हैं तैयारियाँ, बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा।
प्लान तो हमने कुछ और किया था, लेकिन हमेशा वो होता नहीं है जो आप प्लान करते हैं. हम कोशिश कर रहे थे, हम चाह रहे थे इनफैक्ट कि वाइस प्रेसिडेंट सिंध ओलंपिक एसोसिएशन महफूज़ुल हक साहब हमें ज्वाइन करें और ज़रा अपडेट करें कि किस तरह सारे लॉजिस्टिकल मामलात तय पाने वाले हैं सिंध के दस्ते के. बट अनफॉर्चुनेटली वो ज़ाती मसरूफियात की बिना पर हमें ज्वाइन नहीं कर पाए हैं. नॉनदलेस द शो गोज़ ऑन और आगे बढ़ते हैं. हमारे साथ इस सेशन में मौजूद होंगे पीपल हु नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि नेशनल गेम्स में 31 गेम्स जैसे हमने आपको बताया उसमें से एक हॉकी भी है. तो सिंध की तैयारी कैसे चल रही है, सिंध हॉकी टीम में क्या हो रहा है, क्या टीम फाइनलाइज हो गई? अब तक तो हो जानी चाहिए वैसे, क्योंकि बस दो तीन दिनों में टीमों ने जाना है पेशावर के लिए और तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं. बट अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन साहब, हमें पहले भी ज्वाइन कर चुके हैं. थैंक यू सो मच सर, आपने दोबारा हमें टाइम दिया. इसका मतलब पिछली दफा अच्छा लगा था आपको जब भी आप दोबारा आ गए. डेली आओ, सही बात है, समझ रहा हूँ मैं सब. और हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एनालिस्ट और स्पोर्ट्स साइंसेज में एमफिल किया हुआ है इन्होंने. इट्स गोइंग टू बी रियली गुड हैविंग हिम ऑन बोर्ड. अलिया बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं. सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास आपके लिए, बहुत सारे सवाल अतीक जो हम जब से ये शो शुरू किया है हम कर रहे हैं, ओलंपियन से भी हम कर रहे हैं, उन लोगों से भी जो ओहदों पर बैठे हैं, लेकिन हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब मिल नहीं रहे. हमें फिंगर्स पॉइंटिंग नज़र आती है, हमें जवाब में ये मिलता है कि नहीं यार ये तो उसकी गलती थी तो इस वजह से ये हुआ. बट टू स्टार्ट ऑफ विथ, तैयारी कैसी चल रही है सिंध टीम की? अच्छा कॉम्बिनेशन बना अभी है? अभी तो मेरे ख्याल से ट्रायल मुझे नहीं पता कि कब है, वो अहमद अली राजपूत बताएंगे. सिंध के ट्रायल्स कौन लेगा? सिंध में दो हॉकी एसोसिएशन है, एक को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तस्लीम करती है और एक को पाकिस्तान सिंध ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो तस्लीम करती है. उनको सिंध ओलंपिक एसोसिएशन नहीं मानती, उनको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन नहीं मानती. ऐसे तनाज़े के अंदर जब मैंने आरिफ हसन साहब से किया तो, क्योंकि दो चार खेल और हैं, जूडो भी है, साइकिलिंग भी हैं और दीगर उसमें ये मसले हैं, तो वहाँ किस तरह आप टीम मुंतखब करेंगे? इन लड़ाइयों के अंदर खिलाड़ी को नुकसान ना हो तो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने इसका हल ये निकाला है कि वो जो प्रोवेंस की एसोसिएशन होगी वो ओपन ट्रायल लेगी. वैसे आइडियली एक हफ्ते बाद अगर नेशनल गेम्स हैं तो टीम होनी नहीं चाहिए आपके बिल्कुल पास? अब तक हो जानी थी, इसमें सिंध ओलंपिक एसोसिएशन ने भी बहुत ताखीर की है अब तक. हैदर साहब टीम होनी नहीं चाहिए बिल्कुल थी? हो जानी चाहिए थी, मैं तो कह रहा हूँ एक महीने का कैंप लगना चाहिए था, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं लगता ये अना के मसले हैं सर जिसकी वजह से ये मसाइल आते हैं? ये तेरी टीम, ये मेरी टीम, एक टीम बनाए यार, ये खत्म होनी चाहिए. दानिश भाई पूरे पाकिस्तान में यही चल रहा है, इससे बच्चों का बहुत नुकसान हुआ. हाँ तो हमारे बच्चे भी आगे आने वाले हैं यार. हमने तो ये चीज रखी कि अभी आईजी सिंध का टूर्नामेंट हम करा रहे हैं, इसमें सारे बच्चे मतलब जो जिस जगह के भी, हैदराबाद का भी खेल रहा है और लाड़काना का भी खेल रहा है, मतलब हमने तो बोला है कि फ्री हॉकी फॉर ऑल है कि जिसने आए खेले. और मैं एक लड़के का जरूर कहना चाहूंगा, हैदराबाद का लड़का है अदनान, और वो आउट क्लास प्लेयर इस टूर्नामेंट में मुझे सबसे अच्छा जो लगा, और 17 साल का वो है. और मतलब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो रात में धागे की फैक्ट्री में कहीं जॉब करता है और सुबह के मैच खेलता है दोपहर में. लड्डू तो, हाँ अदनान वो आउट क्लास प्लेयर, उसका निकनेम लड्डू. और वाकई मैंने भी उसका दानिश गेम देखा. अच्छा मुझे गूज़बम्स आ गई ये सुनकर, क्योंकि एक अरसे बाद शायद डेकेड्स बाद किसी ने एक हॉकी प्लेयर के बारे में ऐसा कहा है कि यार वो लड़का है ना अदनान आउट क्लास प्लेयर है. वो मैंने हॉकी प्लेयर के बारे में ऐसा नहीं सुना पिछले दो डेकेड से. अनफॉर्चुनेटली अली अब्बास साहब हमें मिले ही नहीं है हॉकी प्लेयर्स. क्यों नहीं मिले? नहीं, हमारे पास टैलेंट बहुत अच्छा है, पूरे पाकिस्तान में टैलेंट अवेलेबल है. बुनियादी तौर पर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन भी एक फ़न है, एक आर्ट है, और हम लोग जो स्पोर्ट्स साइंसेज के लोग हैं इसके ऊपर स्पेशली बड़ा एम्फेसाइज करते हैं. जब राइट मैन राइट जॉब का कॉन्सेप्ट आता है तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के जिम्मेदारी भी किसी राइट मैन को दी जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि टैलेंट आप बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और उसको फिर ग्रूम भी कर सकते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का शोबा है वो भी ऐसे लोगों को दे दिया जाता कि जहाँ पे अकरबा परवीन नेपोटिज्म शुरू हो जाता है कि जी आप मेरा लगा दें, मेरा लगा दें, मेरा लगा दें, और फिर वो लोग जब टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर वो टैलेंट. एक सवाल जो मैं काफ़ी अरसे से पूछता आ रहा हूँ मुख्तलिफ लोगों से, प्रोफेशनल स्पोर्ट किसी को भी खेलना है, what's the right time to start playing it? देखिए अगर हम हॉकी की बात करें तो वो 3 से 6 साल का बच्चा उसको आइलिंग स्टार्ट कर देते हैं.
और वो अपना पीक 17-18 साल में दे के फारग हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम हॉकी की बात करें तो हॉकी में हम लोग डेफिनेटली कोई 8-9 साल का बच्चा उसको ग्रूम करना शुरू करते हैं, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 और फिर अंडर 21 तक लेके, जो कि इस वक्त नहीं हो रहा पाकिस्तान में, पिछले 20 सालों से नहीं हो रहा। डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चीज लैक कर रही है, और इसी सिलसिले में हमने प्लानिंग भी दी उनको, उनको कहा कि आप एक रिसर्च डेवलपमेंट विंग बनाएं, हम उसमें आपको सपोर्ट करते हैं। हमने उनको प्रेजेंटेशन दी, हमने उनको कहा कि हम आपको स्पोर्ट्स साइंसेज के माहरीन जो हैं, जितने भी लोग हैं, हम आपको उसमें सपोर्ट करेंगे। और आप साथ साथ ये भी ऐड कर दें, फिर आप पर आता हूँ, मैंने कहा था ना बहुत सारे सवाल हैं इनके लिए, साथ साथ ये भी ऐड कर दें, कितनी बड़ी ज्यादती है अगर एक लड़का 14-15-16 साल की उम्र में हॉकी पकड़कर शुरू करता है सीरियस हॉकी खेलना, उससे पहले शायद वो टच टूच कर रहा हो, लेकिन वो सीरियस हॉकी खेलना 14-15 साल की उम्र में करता है और 19-20 साल की उम्र में मुख्तसर हॉकी खेलकर बहुत मेहनत से कहीं इधर जाकर कैंप करता है, कहीं उधर जाकर कैंप करता है, वहाँ पर भी उसको अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलती, उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं जब वो पाकिस्तान नेशनल टीम में आ जाता है कि ये तो हमें मेडल जिला के दे देगा। हाँ जी, इतनी जल्दी तो खैर मेडल्स नहीं मिलते, मेडल के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम अपने उन लोगों को देखें जो हमारे लिए पाकिस्तान के लिए लॉरल्स लेके आए और उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, मेडल्स लेके आए और डेफिनेटली, लेकिन अब कुछ थोड़ी सी हॉकी भी चेंज हो गई है, उसके तकाजे भी चेंज हो गए हैं, स्पोर्ट्स साइंसेज है, लोग उसमें बड़े एनालिसिस करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, साइंटिफिक ट्रेनिंग एंड कोचिंग इन्वॉल्व हो गई है, स्पोर्ट्स मेडिसिन इन्वॉल्व हो गई है। इससे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे जब दो बच्चे बैठे हुए थे सॉफ्टबॉल बेसबॉल के, वो जो आप कह रहे थे कि हर गेम जो है मॉडर्न बहुत हो गया है, हाँ। तो ये ज़्यादा बेहतर बनाएंगे कि अब पहले अब ये वो गेम नहीं रहे सारे जितने ओवरऑल सारे गेम हो के एक कोच हो और वो सबको लेके चल, अब चेंज हो गया, आप जरा साइंस बिल्कुल, तो हर इंडिविजुअल की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि अगर 6 लड़के हॉकी खेल रहे हैं, 6 लड़कों का बॉडी टाइप डिफरेंट है, हर लड़के को अलग किस्म की ट्रेनिंग करानी, इस लेवल की ट्रेनिंग हो रही है, हम क्या सोच रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई इसके पास तो हॉकी नहीं है, इसको जूते ऐसा करो किसी और लड़के के पहना दो। दानिश, हम तो यहाँ हैं अभी। इसी बात को बढ़ाऊंगा थोड़ा सा, मैंने जब टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की बात की तो आप ये देखें कि आप कभी भी जो छोटे कद का बच्चा है उसको वॉलीबॉल या बास्केटबॉल में नहीं डाल सकते, इसी तरह लंबे कद के बच्चे को आप बहुत मुश्किल है कि आप उसको वेट ट्रेनिंग में डालें। तो ये जो ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, और उसको जब आप देखते हैं कि ये इस प्लेयर की ये फिजीक ये है, मोटा बच्चा जो है ये उसमें नहीं आ सकता, उस गेम के लिए फिट नहीं है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप बच्चे की फिजियोलॉजिकल स्टेट देखें, उसके बाद उसको उस गेम के लिए मोटिवेट। ठीक है हैदर हुसैन साहब, आपने शुरू में जो आईजी सिंध हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है उसका जिक्र किया था, मैंने उसको इग्नोर नहीं किया बात को, हम आगे उसके बारे में बात करने वाले थे जो अब टाइम आ गया है, तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। आपने पिछली दफ़ा भी हमें बताया था कि हम टूर्नामेंट्स करा रहे हैं, यानी कराची हॉकी एसोसिएशन टूर्नामेंट करा रही है, हमें स्पॉन्सर्स भी मिल रहे हैं, मार्केट में एक ट्रस्ट लेवल है जो हम पर है, ये मुझे बातें याद हैं आपकी जो आपने की थी। तो ये टूर्नामेंट कैसा चल रहा है और कौन कौन है इसमें शरीक? दानिश भाई, इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट की टीम्स हैं और एक सिंध पुलिस की टीम है। ठीक है, और मैचेस तो अली बा साहब आए हैं स्पेशली ये टूर्नामेंट के लिए कवर करने के लिए और देखने के लिए, और इन्होंने देखा है और आप भी आए, अतीक भाई भी देख रहे हैं कि टैलेंट तो बहुत है यहाँ पर और बहुत अच्छे प्लेयर्स यहाँ पर निकल रहे हैं, और जब तक टूर्नामेंट्स नहीं होंगे प्लेयर्स का कैसे पता चलेगा। तो अभी जैसे हमारा पहले इससे पहले हमने मेयर कप कराया था, उससे पहले डीजी रेंजर्स कराया था, अब हम आगे जो हमारा पाइपलाइन में हम फिर डीजी रेंजर्स कराएंगे और कमिश्नर कप कराएंगे, इसलिए कि जो शलवानी साहब हैं वो बहुत स्पोर्ट्स लवर हैं और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ हम कोशिश करेंगे कि कमिश्नर कप कराएं। 6 डिस्ट्रिक्ट की टीम है इसमें और एक पुलिस की टीम भी है। एक पुलिस की टीम। आप मुझे प्लीज़ एजुकेट करें, ऐसा नहीं हो सकता था कि जो ट्रायल्स आगे होने वाले हैं आप कुछ सेलेक्टर्स को भी अपने पास बुला लेते हैं, वो यहाँ से भी कुछ टैलेंट स्पॉट कर लेते हैं, क्योंकि मैच में जो चीज़ें नजर आती हैं वो शायद ट्रायल्स में नजर ना आती हैं। भाई अयाज महमूद इस टूर्नामेंट के चेयरमैन हैं, सिलेक्शन कमेटी के, ठीक है, और मोहम्मद अली हैं, नईम अहमद हैं, खालिद हमीद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अयाज भाई हैं वो अमेरिका गए हुए हैं और खालिद भाई भी, मुझे पता नहीं था, लेकिन दूसरे सेलेक्टर्स आ रहे हैं और दूसरे जो हम 4 सेलेक्टर्स अलग हैं जो मतलब एहतशाम वारसी इंटरनेशनल, परवेज़ इकबाल और शुजात अली, ये 4 सेलेक्टर्स हमने वो रखे हुए हैं जो डेली मैन ऑफ द मैच देंगे, और 4 सेलेक्टर्स वो रखे हैं जो ये पाकिस्तान के लिए पिक करेंगे लड़के, और लड़के बहुत अच्छे निकल, एक दो लड़के ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान कैंप अटेंड कर सकते हैं। वो हैदर, जो आपके नाकदीन हैं या हम भी देखते हैं, जो आपने पहले दिन टूर्नामेंट कराया वही क्वालिटी अब तक है, मतलब वही है सब कुछ, चेंज क्यों नहीं हो रहा? वही आपके जो 30-35 लड़के हैं वही टूर्नामेंट खेलते हैं, वही आपका वुमेंस का होता है, वही आपके कोई 20-25 लड़के हैं वही खेल रही होती हैं,
ایسا کیوں ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ نیا ٹیلنٹ نہیں آ رہا؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک ٹورنامنٹ آپ نے ایک کرایا نا, آپ اسٹیپ پہ آگے جائیں. آپ نے بہت سارے ٹورنامنٹس یہ کرائے پہ اس سال کے اندر. میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ ٹورنامنٹ جس میں پیسہ بھی تھا سب کچھ بھی تھا, چینج کیوں نہیں لائے؟ کچھ وہی ڈسٹرکٹ کی ٹیم ہے, وہی چھ ٹیم ہے, وہی ایک وہی فارمیٹ. ہاں چینج میں چاہ رہا ہوں کہ کیوں نہیں ہے آپ نے کیا پرابلم ہے؟ بالکل بالکل عتیق بھائی صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ وہ چھ ٹیسٹ سیکس نہیں ہیں جو پہلے بھی کھیل چکی ہیں, اور اس میں میرے خیال سے مور دین 20 پلیئرز بالکل نئے ہیں جو 17 سال اور 15 سال کے ہیں جو پچھلے ٹورنامنٹس نہیں کھیلے. وہ اتنے ٹیلنٹڈ پلیئرز ہیں اور انہی کا ہم نے صبح کیمپ بھی لگایا ہوا ہے, تاکہ کراچی میں یہ ہوتا تھا کہ صبح کوئی اٹھنے والا نہیں تھا نہ ان کو کوئی ٹریننگ کرانا. تو ہمارا کراچی ہاکی ایسوسی ایشن نے اور جنید علی شاہ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں, تو وہ کیمپ لگایا ہے اور جس کے نام پہ ہو رہا ہے. پولیس والوں نے پیسے دیے ہیں کراچی ہاکی ایشن کرانے کے لیے یا صرف آپ کو لال ڈپے دیے ہیں یا آپ خود ہی کرا رہے ہیں؟ یہ تھوڑا سا کیونکہ یہاں تھوڑا مشکل آتی ہے جب سوال کا جواب لے لیتے ہیں آپ سے, ایک بریک لینے کا ٹائم ہو گیا جی. بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید ایشوز پر بات کریں گے پاکستان ہاکی سے ریلیٹڈ. ہمارے ساتھ رہے گا. ہم نے آغاز کیا تھا نیشنل گیمز کے ڈسکشن سے, اور اب ہم کچھ پاکستان ہاکی پہ بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ آگے ہمیں اولمپک کوالیفائرز بھی کھیلنے ہیں. صاحب آپ سے بھی ہم نے پاکستان ہاکی پہ کافی ڈیٹیل ڈسکشن کیا ہے. علی عباس صاحب, ہم 26 اور 27 کو ڈچ چیلنج کا سامنا کرنے والے ہیں, نیدرلینڈ سے ہم نے کھیلنا ہے. ہم 17ویں نمبر پر ہیں, وہ 3rd نمبر پر ہیں. ہم تیاری کرتے ہیں 27ویں نمبر کی ٹیم کے ساتھ کھیل کر, اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں اب ہم مزید ہم دوبارہ ٹرائلز کرائیں گے اور نئے سرے سے ہم لڑکوں کو تلاش کریں گے اور ٹیم میں شامل کریں گے. اس سب پروسیس سے ایک پلیئر کے ذہن پر کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے, کیپنگ ان مائنڈ کہ یہ وہ پلیئرز ہیں جن کا بیک گراؤنڈ بھی اتنا زیادہ سالڈ نہیں ہے, جن پر پیسہ بھی اتنا زیادہ خرچ نہیں ہوا؟ دیکھیے, آپ نے بڑی اچھی بات کی. یہ جو میچز ہیں یہ ڈیفینیٹلی بچے کے ایکسپوجر میں بلڈ کرتے ہیں, اس کو بہتر کرتے ہیں, خواہ وہ 27ویں نمبر کی ٹیم ہو خواہ وہ 14ویں نمبر کی ٹیم ہو. کمپٹیشن تو بہرحال کمپٹیشن ہوتا ہے, اور بچے جب کھیلتے ہیں تو وہ آبویسلی اپنی ایک اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. عمان جو ٹیم ہے وہ 27ویں نمبر کی گو کے ٹیم ہے, لیکن وہ بھی اچھی ٹیموں کے ساتھ کھیل رہی ہے. اس وقت وہ جونیئر ورلڈ کپ بھی کھیل رہی ہے. میں آپ کی بات سے بالکل متفق نہیں ہوں, بلکہ میں اس کو بہت زیادہ کریٹیسائز کروں گا. ان کا پوائنٹ آف ویو ہے سر. نہیں, میں تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں, میں تو تنقید کر رہا ہوں, غلط. ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. نہیں, میں عرض کرتا ہوں, کیسے آپ عمان کی ٹیم کے ساتھ یار 27ویں نمبر کی ٹیم سے, ہم جونیئر سے کھیلنے آئی تھی علی بس, آپ کو زیادہ پتہ ہے. ہم اس پوائنٹ آف ویو کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ میچ پریکٹس آپ کو مل رہی ہے, آپ کو کچھ نئے پوٹینشل کے ساتھ کھیلنے کا موقع مل رہا ہے. میرا کہنے کا مطلب بھی یہی تھا, ہیونگ سیڈ دیٹ سر, کہ آپ اس مختصر سے وقت میں کس انٹرنیشنل ٹیم کے ساتھ اپنے نامساعد حالات کے ساتھ کھیلنے کے لیے جا سکتے ہیں. ابھی آپ کے پاس 22 اور 23 کو جرمنی کے لیے آپ نے میچ رکھا ہے اور وہاں پہ جا رہے ہیں آپ لوگ کھیلنے کے. بٹ حیدر صاحب, امید کر رہے ہیں کہ یہ جو بھی آپ نے ٹورنامنٹ بھی کرایا ہے, اس میں 6 ڈسٹرکٹ کی ٹیمیں بھی ہیں, آپ کچھ ٹیلنٹ خود بھی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. ہم نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا, کراچی کا ایک ہی لڑکا ہے آپ کے جو پورا نیشنل کیمپ, سندھ کا ایک لڑکا ہے, کراچی کا بھی ایک ہی ہوا نا, تو کوئی اور لڑکے خضر ہو سکتا ہے اس میں جوائن کر لیں, اور دروازے اس طرح کھلے بھی ہیں یا دروازے صرف ان کے لیے کھلے ہیں جو کیمپ کا حصہ تھے اور وہ جو سینئر ٹیم کے لڑکے ہیں؟ میں ایجوکیٹ ہونا چاہ رہا ہوں. نہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی امید ہے جو انڈر 21 کا کیمپ لگے گا تو ہوپ فل ہیں کہ کراچی کے اور سندھ کے بہت اچھے زیادہ لڑکے ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. انکلوڈ کرنا ابھی مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, لڑکا یہاں پرفارم کر رہا ہے اور میں بات کروں گا جو انٹر ڈسٹرکٹ ہوئی ہے اس میں بہت اچھے لڑکے ہیں جنہوں نے پرفارم کیا, تو میں ضرور لیٹر بھی لکھوں گا اور بولوں گا بھی, اور سلیکٹرز تو آلریڈی ہیں یہاں پر پاکستان کے جو دیکھ رہے ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی زیادتی ہوگی. یہ بھی پچھلی 2 دہائیوں میں بہت ہوا ہے علی عباس صاحب ہمارے ساتھ, کہ ٹیلنٹ آیا صحیح طرح اسپاٹ نہیں کیا گیا, ان نیپوٹزم کی نظر ہو گیا جس کی وجہ سے جو اگلی پوری ایک جنریشن تھی نا وہ ڈسہارٹن ہو گئی. ایک تو جنریشن کو موٹیویشن نہیں مل رہی تھی کہ آپ کی نیشنل ٹیم نہیں جیت رہی تھی, اور دوسری موٹیویشن یہ نہیں تھی کہ یار میرے لیے تو اس میں فیوچر ہی نہیں ہے. جو ڈپارٹمنٹس کی نوکریاں تھیں وہ ختم ہو گئیں, اب تو نوکریاں بھی نہیں مل رہی, اب تو کوٹا پہ ایڈمیشن بھی نہیں مل رہا. یہ ساری موٹیویشنل فیکٹر ہوتے ہیں نا؟ بالکل ایسے ہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ اتنی مایوسی والی حرکتیں ہوئی ہیں, ایک اچھی بات تھوڑی سی اور بھی ہوئی ہے, وہ ابھی ریسنٹلی پاکستان ہاکی فیڈریشن نے انڈر 21 کے ٹرائلز کرائے,
और उसमें उन्होंने तकरीबन मेरा ख्याल है कि सिंध से और बलूचिस्तान के एक सेंटर बनाया था और के पी के इस्लामाबाद गिलगित और पंजाब का एक सेंटर बनाया था लाहौर में और उधर ट्रायल हुए। अच्छा उस उन ट्रायल्स में 300 से ज़ायद लड़के लाहौर सेंटर में अपीयर हुए और वहाँ पे ट्रायल्स 2 दिन के अनाउंस हुए थे, उनको ट्रायल्स अपने बढ़ाने पड़े। मुझे पर्सनली वहाँ पे जाके मैंने 2-4 दफ़ा देखा भी उनको और वाकई टैलेंट वहाँ पे अवेलेबल था। तो इसी तरह आपके कराची में भी इसी तरह ही बच्चे आके अवेल हुए। बात यह है कि पाइपलाइन में बच्चे हैं अभी। अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की यह जिम्मेदारी है कि वो जो पाइपलाइन के बच्चे हैं उनको जो उन्होंने स्पॉट भी कर लिया है इन्होंने, अब उनकी अच्छी ग्रूमिंग का भी इंतजाम करें। तो ये इसकी ग्रूमिंग के लिए देखें अब वो क्या स्ट्रेटेजी बना, ग्रूमिंग में क्या कुछ आ जाता है। 2-3 सवाल फेंकने दें मुझे क्योंकि अभी हमने जो ओलंपिक क्वालिफायर्स के लिए तैयारी करना शुरू की 1.5-2 महीने का टाइम रह गया था। हमने सोचा भाई कैंप लगाना, भाई कैंप लगाना है। हाँ, जल्दी से हमने कैंप लगाया। भाई टीम नहीं बनी हुई है हमारे पास, टीम बनानी है भाई, टीम बनानी है। हम नेशनल टीम की बात कर रहे हैं सर, नेशनल टीम ही नहीं है आपके पास। बिल्कुल, हमारा नेशनल गेम हॉकी एक लेगेसी हमारी रही है, हमारे पास नेशनल टीम नहीं थी, नहीं है। 8 महीने से हमने इंटरनेशनल मैच ही नहीं खेला था। मैं अभी फिर वही कह रहा हूँ, कैसे ग्रूमिंग होगी? एक महीना हो गया ट्रायल लिए हुए। जी बिल्कुल हो गया। यही चीख रहा था कि इसके बाद आप वाइड बनाए, 3 टीमें पाकिस्तान की होनी चाहिए, फिर उसके बाद 21 भी होनी चाहिए, अंडर 16 भी होनी चाहिए, उसके बाद तो टैलेंट मिलेगा। अदरवाइज अगर एक ही टीम पे इंतजार करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अली अब्बास साहब प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अंडर 13 लेवल, अंडर 16 लेवल, अंडर 91, अंडर 21 या अंडर 23, ये तो आपके जूनियर लेवल्स हो गए और फिर नेशनल लेवल। 365 डेज ऑफ द ईयर अगर आपकी कंपेरेटिव हॉकी नहीं होती और प्रैक्टिस नहीं चलती, आप कभी भी इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल, ये तो रिसर्च बेस्ड आंसर आपने दे दिया, खुद ही अपने जवाब का। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूँगा कि आफ्टर ऑल इस सारे सेटअप को हमने एक जो एक मैनेजेरियल इशू में भी कहेंगे कि लैक कर रहे हैं इसमें, हम अभी तक इसको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन खासतौर पे इसको अभी तक किसी प्लानिंग का हिस्सा नहीं बना पाए। क्यों? नियतों का फुकदान है या पैसों का मसला है या संजीदगी का मसला है? नहीं, पहला सवाल, सबसे बड़ी बात यह है नियतों का फुकदान तो शायद मैं उसमें ना कहूँ, क्योंकि मेरी ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोकर साहब से डायरेक्ट भी बात हुई तो वो बड़े इस हवाले से बड़ा अच्छा विजन रखते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बिहाइंड द सीन चलती हैं, मेरा ख्याल है कुछ पैसे भी उनके पास अवेलेबल नहीं थे, कुछ स्टाफ का भी उनको था, और दूसरी बात यह कि जो हमारे सीईओ थे एक्स्ट्रा एक्स, वो भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो अभी बाजवा साहब आ गए हैं, मेरा ख्याल है कि आई एम होपिंग फॉर द गुड। दानिश भाई, जैसे अभी मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा कि एक तो हॉकी में कोई आना नहीं पसंद करता, लेकिन रियलाइंस पेंट वाले उन्होंने पूरे स्टेडियम को हमारे सजा दिया बगैर किसी, 2-3 दफा आपने नाम ले लिया ना तो मैं आपसे पैसे ले लूंगा। मैं बिल्कुल देने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि हमारे लिए तो बहुत स्पेशल लोग हैं, हमारे लिए तो बड़े ऑनर की बात है। मैं अपने लिए पैसे लूंगा, क्लेरिफाई कर दूं, चैनल के लिए भाई, चैनल के लिए हम पैसे वैसे लेने वाले नहीं। आप लोग तो सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह से, और अभी भी नए नए लोग हॉकी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। नहीं, और देखें अतीक आपके साथ ये क्लोजिंग करते हैं, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट एक क्रिएट हुआ हुआ है ना, एक तो लोगों का हॉकी टीम पर, प्लेयर्स का मैनेजमेंट पर, और स्पॉन्सर्स का पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर, ये ख़त्म करने की ज़रूरत है और ये ख़त्म करने में साला साल लग जाएंगे। बिल्कुल दानिश, आपने बहुत समअप किया है इसको एंड को, और बहुत अच्छा समअप किया। मैं बिल्कुल इस बात पर हूँगा कि ये जो हमें ट्रस्ट जो है ना स्पॉन्सर्स का फेडरेशन के ऊपर जो हट चुका है कि करप्शन बहुत होती है, करोड़ों पे मिल भी चुके हैं प्लेयर्स, फिर भी अभी तक रो रहा है, तो ये ट्रस्ट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को डेवलप करना पड़ेगा, जिस तरह कराची हॉकी एसोसिएशन ने ये किया है कि उन्होंने लेके स्पॉन्सर्स को उनको उतना माइलेज दिया, नहीं दिया लेकिन उनको कम से कम एतमाद जरूर दिया है कि हाँ उनका इवेंट हो रहा है, ऐसा नहीं हुआ। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी ये करना पड़ेगा, अगर कोई स्पॉन्सर उनको पैसा दे रहा है तो ये ना हो कि कल को वो खिलाड़ी रो रहा हो उसी खेल का खिलाड़ी, तो वहाँ स्पॉन्सर्स को बड़ा दुख होता है कि यार मैं पैसे दे रहा हूँ
और फिर इसी खेल का खिलाड़ी रो भी रहा है, फायदा भी नहीं हो रहा, रिजल्ट भी नहीं निकल रहा, तो फिर क्या फायदा, फिर वो स्पॉन्सर पिछड़ जाते हैं। अली अब्बास साहब, थैंक यू सो मच, मजा आया आपसे आज बात करके, आगे भी आपसे बात करते रहेंगे, तंग करते रहेंगे आपको। हैदर हुसैन साहब, थैंक यू सो मच, एक बार फिर अच्छा लगा आपके साथ, और अतीक रहमान तो हमारे साथ हमेशा होते ही हैं। दो चीज़ें हैं जी, अगर पाकिस्तान हॉकी को बेहतर करना है, लेट द यूथ हैव फन, नौजवान बच्चों को हॉकियाँ पकड़ाएं, लेट देम इन्जॉय देम सेल्व्स, भले जैसी आड़ी टेढ़ी जैसी खेलते हैं, खेलने दें, कम से कम शौक पैदा होने दें। जब तक वो शौक पैदा नहीं होगा, जो कि हमें नज़र नहीं आता, जब तक आपकी हॉकी आगे नहीं बढ़ सकती। दूसरा, जो इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे लड़के आने वाले, उनको एम्पावर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको कुछ उनके हालात को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। जब वो अंदर से स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान को सर्व करने का जज्बा और ज़्यादा शिद्दत से अपने अंदर लेके आएंगे और परफॉर्म करेंगे, होपफुली, उम्मीद तो कर सकते हैं हम। विद दीज थॉट्स, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।